Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are fine. Today with me I have a very special motorcycle that is the Pulsar F250. This is in Brooklyn Black color. धनबाद में एक ही पीस है मेरे दोस्त के पास, तो आज हम लोग इसका रिव्यू करने वाले हैं, साथ में राइड रिव्यू भी करने वाले हैं, तो राइड फील सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। एंड एक बात मैं आपको बता देता हूँ भाई, बहुत ही अंडररेटेड मशीन है, सेल्स क्रैक इसने नहीं की उतनी अच्छे से। DRLs देखो यार, कितनी ज़्यादा मीन लग रही है ये मोटर। सारी बातें करते हैं बाइक के बारे में, जल्दी से आपको बाइक दिखाता हूँ मैं। सो हियर इज़ द बजाज पल्सर F250 जो कि ब्रुकलिन ब्लैक कलर में है एंड लॉन्च हो गई थी नवंबर 2021 में ही, बट सेल्स उतने अच्छे से क्रैक नहीं कर पाई बिकॉज यार 220 का रिप्लेसमेंट इसको दिखाया गया, बट ये मोटरसाइकिल यार अलग ही है, इसमें एक अलग ही सोल है। तो चलो बातें करते हैं इसके बारे में। स्टार्टिंग विद द फ्रंट, यार आप देख सकते हो इसमें बूमरैंग शेप DRLs कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड यार बहुत मीन लुक आता है। यहाँ पे आपको बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ग्रीमेका के कैलिपर्स यूज़ किए गए हैं। तो देखते हैं ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इस मोटरसाइकिल की कैसे होने वाली है। फ्रंट में यहाँ पे आपको 100 सेक्शन का MRF टायर देखने को मिल जाता है, ये अलॉय 17 इंच के हैं, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको फ्लोटिंग टाइप का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। फेयरिंग की बात करें तो बिकनी फेयरिंग आपको मिलती है, जो कि आपको पल्सर 220 में मिलती आ रही थी। बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है ये कलर बिकॉज यहाँ पर मैट ग्रे यूज़ किया गया है, यहाँ ब्लैक यूज किया गया है। साथ में यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, एक बार मैं आपको जला करके दिखाता हूँ। सो LED इंडिकेटर्स भी इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं, काफ़ी ब्राइट है, विजिबल है दिन में भी, जैसा कि आप देख ही सकते हो। Talking about the engine, this is a 250cc 2-valve engine that produces 24.5 PS and 21.5 Nm of torque. ये इंजन ऑयल कूल्ड है, तो यहाँ पे आप रेडिएटर देख सकते हो। इंजन देखो यार है तो 2-valve, बट जैसे ये रिएक्ट करती है किसी 4-valve की तरह लगती है। बाइक में आपको डुअल स्पार्क प्लग भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसकी माइलेज काफ़ी अच्छी है। पीछे आए तो आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, एग्जॉस्ट नोट भी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। एंड इस मोटरसाइकिल की खास बात यह है कि आपको इसमें डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। जब मोटरसाइकिल लॉन्च हुई थी तो सिंगल चैनल ABS में लॉन्च हुई थी, ये वाला कलर नहीं आया था, अब ब्रुकलिन ब्लैक में आने लगी है। रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको बॉक्स टाइप का स्विंग आर्म देखने को मिल जाता है, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म नहीं है, तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है बजाज ने एंड बहुत ज़रूरी भी है। पीछे मोनोशॉक मिल जाता है, मोनोशॉक बहुत अच्छा काम करता है इस मोटरसाइकिल में, तो राइडिंग कंफर्ट वगैरह की बात करेंगे। रियर टायर इसमें 130 सेक्शन का दिया गया है, रेडियल नहीं है, नॉर्मल टायर है, रेडियल होता तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। एंड 140 सेक्शन अगर दे दिया जाता तो यार लुक सही हो जाता, बट माइलेज ख़राब हो जाती मोटरसाइकिल की। कुछ ऐसा लुक देखने को मिल जाता है, तो आपको इसमें टेल टैडी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज मोटरसाइकिल ऐसे ही बहुत ज़्यादा कूल लगती है। यहाँ पे नंबर प्लेट का लैंप भी दिया गया है एंड LED इंडिकेटर्स, यहाँ पे ऑल LED का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। टेल लैंप कुछ ऐसा है, काफ़ी सेक्सी सा, बहुत अच्छा लगता है। ग्रैब रेल्स की बात करें तो यार काफ़ी स्टर्डी हैं, बहुत यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल भी हैं। सीट्स की तरफ आते हैं तो सीट में यार राइडर के लिए बहुत स्पेस आपको मिल जाता है एंड पिलियन के लिए भी उतना ही स्पेस आपको मिलता है। यहाँ पे हम्प भी है, तो यार यहाँ पे पिलियन आगे स्लिप नहीं करने वाला, आप जितनी भी बार ब्रेकिंग करो तो कोई दिक्कत नहीं है। रियर काउल यार बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख ही सकते हो F250 की बैजिंग यहाँ पे, बिल्कुल एक नया डिज़ाइन लैंग्वेज है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि ये फ्लोटिंग टाइप डिज़ाइन आप देख ही पा रहे हो। तो साइड स्टैंड कट ऑफ का सेंसर मिल जाता है, आपको यहाँ पे 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, 6 स्पीड नहीं मिलता है 250cc होके भी, बिकॉज लिटरली यार आपको इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स की ज़रूरत ही नहीं है। बॉक्स काफ़ी क्रिस्प है, काफ़ी अच्छा काम करता है, ये सब राइड करते हुए बात करते हैं। टैंक की तरफ आए, दिस इज़ अ 14 लीटर टैंक एंड माइलेज इस मोटरसाइकिल में आपको 35 से 40 की आराम से मिल जाएगी। सो माइलेज एंड रेंज बहुत अच्छी है मोटरसाइकिल की। हैंडल बार यहाँ पे क्लिप ऑन दिया गया है एंड यार स्विच गियर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस मोटरसाइकिल की, मतलब एवरेज से तो ऊपर ही है। एक और चीज़ इसमें चेंज्ड है कि यहाँ पे आपको हेडलाइट ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, आपको USB चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी हैंडी फीचर है। एंड अब बात करते हैं मीटर की, तो यार मीटर में सबसे पहले गियर पोजीशन इंडिकेटर किसी पल्सर में आया तो इसी में आया था। एंड यहाँ पे आप गियर पोजीशन इंडिकेटर देख सकते हो, स्पीडोमीटर यहाँ पे है, ऑन करते ही ये दिखाने लगता है। तो यहाँ पे टेलटेल लैम्प्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जो टैकोमीटर है वो एनालॉग में है, तो दिस इज़ वेरी नाइस कि बजाज ने ये चीज़ अभी भी रिटेन किया हुआ है। एनालॉग टैकोमीटर का यार फील ही अलग है। बाकी यहाँ छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले है जहाँ पे आपको रियल टाइम माइलेज भी देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे फ्यूल गॉज है, आरपीएम लिमिट का लाइट आप यहाँ देख सकते हो। एंड भाई यहाँ स्विच गियर में आप डिटेलिंग देखो, डिटेलिंग बहुत अच्छी की गई है। तो ये सारी चीज़ें करके बजाज अच्छा काम कर रही है एंड अच्छा प्रोडक्ट हमें डिलीवर कर रही है। तो यहाँ पे फिट एंड फिनिश की मुझे उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती है, बट थोड़े से पैनल गैप्स है जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये पैनल गैप्स को कम किया जा सकता था। आई होप नए मॉडल्स में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सो नाउ लेट मी क्विकली गिव यू द एग्जॉस्ट नोट ऑफ द मोटरसाइकिल। तो भाई काफ़ी थ्रोटी एग्जॉस्ट नोट आ रहा है जैसा कि आपने सुन ही लिया। एंड यार एग्जॉस्ट नोट का तो मैं फ़ैन हूँ इस मोटरसाइकिल का। बाकी अब इस मोटरसाइकिल को राइड करते हैं एंड आपके साथ राइड फील शेयर करते हैं। तो अभी हम राइड कर रहे हैं द ऑल न्यू पल्सर F250। अरे भाई जानता है, चलो बहुत अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो बस। F250 पल्सर हाँ हाँ, कैसा लग रहा है? बढ़िया, अच्छा लगता है। प्लीज गाइस सपोर्ट करिए भैया को। ओहो भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो भाई की बात सुनो और सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं। हाँ पिकअप देखो यार, पिकअप देखो आप इस मोटरसाइकिल का, मतलब क्या ही किक दे रही है। मैं गलत रास्ते आ गया लगता है, क्या चल रही है भाई। वाइजर डाउन कर लिया हमने एंड अब लेंगे बाइक का फुल मज़ा। बहुत निम्बल फील हो रही है भाई, हैंडल करना बहुत आसान है। ब्रेक्स भी मोटरसाइकिल के काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मिड रेंज में मुझे अलग ही पंच मिल रहा, मतलब 4-5 हज़ार आरपीएम पार होने के बाद ना एक अलग ही पावर का सर्ज आ रहा है इस मोटरसाइकिल में। तो यार ये काफ़ी सही चीज़ है, ये यूथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बाकी वीडियोस में बताया है, तो एक्सेलरेशन मोटरसाइकिल का काफ़ी अच्छा है। कंफर्ट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सीटिंग इसकी काफ़ी सही है। हैंडल बार्स की वजह से अपराइट सीटिंग पॉस्चर भी है। जो फुटपैक्स है वो काफ़ी रेयर सेट नहीं है, आपके बम के बिल्कुल ही नीचे है। हम एक और राउंड लेंगे, मन नहीं भरा भाई अपना। तो देख ही सकते हो बम्स पे भी जो आ रही है, तो मोटरसाइकिल बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं हो रही है, कोई एंड्यूलेशंस नहीं है। रोड पे काफ़ी एंड्यूलेशंस है बट ये सब कुछ अब्जॉर्ब कर लेती है काफ़ी अच्छे से। एंड मैं बोलूँगा भाई इसका मोनोशॉक भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडियन रोड कंडीशंस को देखते हुए। भाई सेकेंड गियर में भी ये पिकअप बहुत अच्छा बना रही है। परफॉर्मेंस में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं लग रही है इस मोटरसाइकिल में। वेट डिस्ट्रीब्यूशन मोटरसाइकिल का बहुत सही है भाई, बिकॉज अंडरबेली इसमें यूज़ किया गया है, साथ में छोटा सा एग्जॉस्ट दे दिया गया है। इधर की बात करो यार सब कुछ अच्छे से रीडेबल है, बट मुझे एक दिक्कत लगता है कि यार इसका जो टैकोमीटर है एनालॉग वाला वो थोड़ा सा लैगी है, जैसा कि आप यहाँ पर देखो। मैं रैप तो कर रहा हूँ लेकिन थोड़ी देर बाद इसका मीटर अलाइव हो रहा है, तो 1 सेकंड का लैग है वहाँ पे। ये चीज़ बजाज को ठीक करनी चाहिए। साइकिल एंड स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी में इससे अच्छा पैकेज आपको नहीं मिलने वाला है। 1.8 लैक्स ऑन रोड प्राइस में, साथ में 250 सीसी का इंजन, इतना पंची इंजन जो कि आपको अलग ही फील दे देगा जब आप सिटी में चलाते हो। बिकॉज मिड रेंज परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा है। टॉप एंड की बात मैं नहीं करूँगा बिकॉज सिटी में चलाने के लिए ये मोटरसाइकिल ज़्यादा बनी है। एंड हाईवे पे क्रूज़ आप तो आसानी से कर ही सकते हो, उसके लिए तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। अब थोड़ा सा भगाते हैं यहाँ पे। वाह यार क्या ही चल रही है। एंड ब्रेक्स देखो, मोटरसाइकिल हॉल्ट पे कितनी जल्दी आ जाती है, आप देख ही रहे हो। मिरर्स अच्छा व्यू प्रोवाइड कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं। एंड नाउ इंजन के रिफाइनमेंट की बात करते हैं। पहले यहाँ से टर्न ले लेते हैं। काफ़ी आसानी से मैंने टर्न कर लिया इस मोटरसाइकिल को। देखो रिफाइनमेंट की बात करें तो यार इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, आप सोच नहीं सकते इतनी ज़्यादा रिफाइंड है। यू हैव टू राइड दिस मोटरसाइकिल टू बिलीव मी। साथ में गियर शिफ्ट्स इतने सेटिस्फैक्ट्री होते हैं कि यार मज़ा ही आ जाता है इसको चला करके, बिकॉज आपको वो सेटिस्फैक्ट्री वाला क्लिक मिलता है जब भी आप चेंज कर रहे होते हो, गियर्स अटकते नहीं है। राइडिंग एक्सपीरियंस को ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है। एंड यार सच बताऊँ तो मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, बिकॉज सबसे पहली बात तो यार बजाज ने इसको 220 से कंपेयर कर दिया। 220 इमोशन है यार, उसके साथ ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए था, बिकॉज इस मोटरसाइकिल की लीग ही अलग है। ये जो मोटरसाइकिल है इसका नेचर भी काफ़ी अलग है। इसमें आपको मिड रेंज परफॉर्मेंस मिलती है, एंड पल्सर 220 जो थी इसमें आपको लो एंड से ही परफॉर्मेंस मिलती थी। सस्पेंशंस काफ़ी प्लस्ड राइडिंग कंफर्ट आपको यहाँ पे ऑफर कर दे रहे हैं। मोटरसाइकिल में डुअल चैनल ABS मिल जाता है, तो रियर ब्रेक को एक बार टेस्ट करते हैं। बिल्कुल भी स्किड नहीं कर रही है, लेकिन यार ABS थोड़ा ज़्यादा इंट्रूड कर रहा है, जो कि मुझे पसंद नहीं आया। फ्रंट ब्रेक को चेक करते हैं। बहुत अच्छा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है भाई। एंड जो ABS है वो व्हील को स्किड नहीं करने दे रही है, तो ये बहुत सही लगा मुझे। ABS इंट्रूड उतना ज़्यादा नहीं कर रहा था। हैंडलिंग मोटरसाइकिल की काफ़ी लाइट है, बहुत अच्छे से हैंडल हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा यार हैंडलिंग मैंने लास्ट टाइम NS में ही देखा था, NS में एक्सपीरियंस किया था। हैंडलिंग भी भाई नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है। बजाज जो है यार बेंचमार्क सेट कर रहा है, जो बात है भाई क्लियर है। भाई जितनी बार बोलूँ उतना ही कम है कि मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा कैपेबल है। एंड आपको इस मोटरसाइकिल को राइड करके देखना पड़ेगा टू बिलीव मी। ऐसे वीडियोस में देख के आपको समझ में नहीं आएगा, तो भाई जाओ आप बजाज के शोरूम एंड इस मोटरसाइकिल का एक राइड लो, तभी आपको समझ में आएगा कि मोटरसाइकिल कितनी कैपेबल है। चाहे जो भी एस्पेक्ट में बात करो, मोटरसाइकिल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मुझे थोड़ी सी दिक्कतें लगती है वो है फिट एंड फिनिश में यहाँ पे, तो वो चीज़ थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए बजाज को। बाकी मुझे सब कुछ बिल्कुल सही लगा इस मोटरसाइकिल के बारे में, कोई भी दिक्कत इसमें मुझे फील नहीं हो रही है। ऐसा मेरा मन कर रहा है कि यार मैं थोड़ी कमियाँ निकालूँ इस मोटरसाइकिल के बारे में, लेकिन क्या कर सकते हैं, कमियां वैसे कुछ ज़्यादा है ही नहीं कि कमियों के बारे में बात की जाए। क्लच की बात करें तो आपको यहाँ पे स्लीपर क्लच देखने को मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट पे, समझ रहे हो। क्लच का फील एंड फीडबैक काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत ही पसंद आया। यहाँ यार कॉकपिट व्यू की बात करें तो काफ़ी सही व्यू आ रहा है, काफ़ी मस्कुलर सा व्यू आ रहा है। फेयरिंग भी काफ़ी मस्कुलर है, आपको मस्कुलर वाला बिग बाइक वाला फील आता रहेगा। 2 वैल्व हो के भी 4 वैल्व जैसा रिएक्ट करती है। 70 से 80% पावर आपको इसमें मिड रेंज में ही मिल जाती है, तो आप सोच ही सकते हो सिटी में कैसा बैलिस्टिक सा पावर आपको इसमें मिलने वाला है। मैक्सिमम हम लोग सिटी में चला रहे होते हैं, काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं, और सिटी में ये आपको फुल मज़े देने वाली है। तो हैंडलिंग को बता रहा था, हैंडल करना इसको बहुत ईजी, आप देख ही सकते हो कितनी आसानी से ये टर्न ले लेती है, कितनी आसानी से ये हैंडल होती है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। आपके क्या ओपिनियन है इस मोटरसाइकिल के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यार अभी तक अगर आपने इस मोटरसाइकिल का राइड नहीं लिया तो जल्द से किसी बजाज डीलरशिप पे जाओ एंड इस मोटरसाइकिल को राइड करके देखो, आपको अलग ही फील आ जाएगा, आपको अलग ही मोहब्बत हो जाएगी इस मोटरसाइकिल से। तो रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड एंड बाय।